मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़। मधुपुर में इंडियन बैंक के लधु शाखा से 1,17,000 की लूट, चंदन गुप्ता की रिपोर्ट। मधुपुर सोनभिरद स्थानीय इंडियन बैंक की लघु शाखा बाजार के दक्षिण त्रिमुहानी के पास है। लघु शाखा प्रबंधक दीपक जायसवाल 10:30 पर लघु शाखा बैंक में पैसे का लेन देन कर रहे थे। उसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग लघु शाखा में पहुंचे और लघु शाखा प्रबंधक दीपक को असलाह सटाकर 1,17,000 रुपये जबरन काउंटर से निकालकर बैंक से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर तीनों सुकृत की दिशा की ओर चल दिए। लुटेरों को जाने के बाद प्रबंधक दीपक ने पुलिस को जानकारी दी, जिस पर सुकृत पुलिस प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की और लुटेरों की तलाश करनी शुरू कर दी, मगर लुटेरों का कुछ अता पता नहीं चल सका। मधुपुर में इस प्रकार की पहली घटना है जो दिन दहाड़े असला सटाकर लुटेरे पैसा लेकर फरार हो गई। इस घटना से बाजारवासियों में दहशत का माहौल बन गया है। लघु शाखा की लूट की घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक सोनबिरत ने भी घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन उनका ये कहना है कि वो हाथ में कुछ लिए हुए थे और चूँकि उस ग्राहक सेवा केंद्र में कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, दूसरे दुकान से देखा गया है, तो उसमें स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब इस तरह की घटना किए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिससे कि उन्होंने धमकाने का काम भी किया होगा। और हमारे जनपद में करीब 100 के आसपास इस तरह के ग्राहक सेवा केंद्र होंगे और अब इनकी भी सुरक्षा रिव्यू कराने की आवश्यकता है। उनके यहाँ जैसा कि मेरे द्वारा देखा गया, अगर जो उनका डेस्क है, डेस्क के ऊपर एक केबिन बना हुआ है शीशे का, जिससे कि वो ग्राहक को पैसा देते हैं, उस केबिन के ऊपर अगर जाली लगी होती तो ये घटना नहीं घटती। मैं जनपद के सभी ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सुरक्षित बनाएं और जो उनका डेस्क होता है, डेस्क के ऊपर शीशे की केबिन बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक उनको मजबूत जाली लगानी चाहिए ताकि कोई ज़बरदस्ती आकर के अंदर जहाँ पर उनका कैश वगैरह उनके ड्रॉअर में होता है वहाँ आकर के कोई लूटपाट की घटना न कर पाएँ। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर कस्बे में एक लूट की घटना घटी है। वहाँ पे दीपक जायसवाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो अपने घर के बाहर ही एक कमरे में ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं जो इंडियन बैंक से संबंधित है, और करीब 10:37 के बजा होगा कि उन्होंने एक महिला ग्राहक को पहले निपटाया। उसी समय दो लोग और पहुँचे और वहाँ पर पहले उन्होंने पैसा निकासी की बात की और फिर इसी बीच दीपक को उलझा करके और उसका जो केबिन बना हुआ था, केबिन के ऊपरी हिस्से से स्केल करके अंदर चले गए और उनके गले में 1,17,000 रुपया था उसको छीन लिए। और बाद में दीपक ने शोर मचाया तो वहाँ पे लोगों ने उसका पीछा भी किया थोड़ी दूर, लेकिन तब तक वो आगे निकल गए थे। वहाँ के बगल की एक दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में 3 लोगों को एक मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ गए थे और टीमों का गठन किया गया है और बहुत शीघ्र हम उम्मीद करते हैं कि इसका हम लोग अनावरण कर लेंगे। क्या सर असल है कि सर बात सामने आ रही है, असल है लगा के।